जी प्यारे बच्चों, आज मैं विजय बंसल, जो आज हम करेंगे हमारी क्लास ट्वेल्थ का 2017 के भिवानी बोर्ड के एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनके सभी कोड्स के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको आंसर के साथ साथ उनके थोड़े थोड़े सॉल्यूशंस की भी हम डायरेक्ट कैसे हम शॉर्टकट ड्रिल अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, लेट आर टू आर बी ए डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। हमें इसमें 1-1 और 1-2 पर चेक करना है। आपके पास देखें, क्योंकि फंक्शन इन्होंने एक्स की पावर 4 दिया गया है, आप 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो भी आपके पास 4 आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी आपके पास 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, मीन्स आपके पास ये 1-1 फंक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो उस चीज के कारण आपके पास ए और सी ऑप्शन ये तो खत्म ही हो गए, तो बचा कौन सा आपके पास, बी और डी, क्योंकि मैनी वन हो सकता है, मैनी वन लिखे या नाइदर वन, नो वन वन लिखे, नॉट वन वन, दोनों ही बातें सही हैं। अब हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है आपके पास। ठीक है ना, इसकी जो मैपिंग दी गई है वो क्या है, रियल टू रियल है, लेकिन पावर 4 होने के कारण किसी भी वैल्यू का, ठीक है, जो आपके पास आंसर आएंगे वो नेगेटिव किसी का भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा जो इसके बनेगा डोमेन, कहीं हम रेंज कहीं जो उसकी बनेगी, ठीक है, वो डोमेन आपके पास कुछ भी नंबर हो लेकिन रेंज बनेगी हमेशा पॉजिटिव नंबर, और आपको जो रेंज के लिए सेट दिया गया है वो दिया गया रियल का, मींस नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, सो नॉट ये ऑन टू, ना ये 1-1 है ना ऑन टू है, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन आपके पास इसका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन के अंदर वैल्यू हमारे पास किसी की होती है, पाई बाय 3 की, ठीक है आपके पास, और sec इनवर्स के अंदर -2, अब जो 2 वैल्यू है आपके पास, ठीक है, वो होती है हमारे पास, जो चेक करने की आपके पास किसकी होगी, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव -2 दिया गया है, तो -2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम sec के अंदर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो पाई माइनस बन जाएगी। ठीक है ना, उसकी रेंज के अकॉर्डिंग आपके पास पाई माइनस पाई 3 हो जाएगा, तो माइनस अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें यहाँ पर से, आपके पास पाई में से पाई आपके पास घटा देंगे तो 2π/3 बचेगा आपके पास। ठीक है, और sec इनवर्स से sec तो खत्म हो ही जाएगा आपके पास, पाई बाय 3 में से 2π/3 आपने माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, -π/3। ठीक है, सो आपके पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, उसमें क्या कह रहे हैं, आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों इक्वल दिए गए हैं, हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास किस कौन सी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी उस पर डिपेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट आपके पास बन रही है, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, सो वाई आपके पास कितना हो गया, 7, इट मीन्स आपके पास ए और सी में से ऑप्शन बनेगा। अब हमें एक्स के लिए करना है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, 3x+7 इज इक्वल टू 5 है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया इक्वल, सो यहां से आपके पास सॉल्व करने पर क्या बनेगा, एक्स -2/3 बनेगा, इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है ऑर्डर 3x3 का, तो अर्जेंट ए की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, आपके पास क्या होगी, अर्जेंट ए आपके पास क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n मतलब उसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 3-1 मीन्स डिटर्मिनेंट की पावर 2 बन जाएगा, सो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए आप, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहा है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 एंड कोस एक्स, अगर एक्स लेस देन पाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है, इज कंटिन्यूस है आपके पास एक्स इज इक्वल टू पाई पर, देन द वैल्यू ऑफ के, मीन्स के पाई से लेस देन के लिए आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1, तो इसमें एक्स की जगह पाई पुट करेंगे तो क्या बनेगा, के पाई प्लस 1, क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में आपके पास एक्स ग्रेटर पाई के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, कोस एक्स, इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, कोस पाई बनेगा, और कोस पाई की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, -1 आएगी। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो के पाई है वो कितना हो गया, -2 हो गया, मतलब के की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, -2/π। सो ये आप देखें आपके ऑप्शन में कौन सी वैल्यू बनती है आपकी, ये बी वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस
एट आर इज इक्वल टू 5 इज, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें इस एरिया को रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहा गया है, तो आर की रिस्पेक्ट में रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और आर की वैल्यू उन्होंने कितनी कही है 5, 5 पुट करने पर आपके पास क्या बन जाएगा 10 पाई बन जाएगा, 10 पाई मीन्स इट मीन्स ए ऑप्शन बन गया आपके पास आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको कर्व दी गई है विच इज द टेंजेंट, ठीक है, इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस 11, आपको पॉइंट बताना है, आपको कर्व दी गई है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, आपने इसका डिफरेंशिएट करके इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं 3x की पावर 2 माइनस 11, ठीक है, और दूसरा आपके पास दिया गया जो विच इज द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन जो दी गई है एक्स माइनस 11 दी गई है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा और दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होगी तो दोनों को इक्वल रखा गया है यहां से, ठीक है, तो 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू 1, सो मीन्स 3x² इज इक्वल टू 12, सो आपके पास x² इज इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी प्लस माइनस 2 बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब प्लस माइनस 2 आपके पास पुट करने पर क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो देखने हैं, क्योंकि 2 के साथ आपके पास ए और डी पॉइंट बन रहे हैं माइनस, ठीक है, आपको ये देखना है, बी और सी तो आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यहां से क्लियर हो जाता है आपके पास, आपने 2 पुट कर ले इसके अंदर, इसी पॉइंट के अंदर पुट कर ले चाहे इसमें पुट कर ले, वो दोनों एक ही बात है आपके लिए, इजी आपके लिए फैक्टर ये हो जाएगा पॉइंट, 2 पुट करने पर ये माइनस 9 बनता है, मींस 2 के साथ माइनस 9 पॉइंट बनेगा और आपके पास ये डी पॉइंट बनता है, माइनस 2 के साथ ये माइनस 13 बनता है, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट दिया गया, तो सो डी ऑप्शन बन जाएगा आपके पास आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें कह रहा है x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप लेट करेंगे x³ को 1 लेट करेंगे तो 3x² इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा आपके पास, ठीक है, मींस 3 को अगर पॉन में ले जाएंगे तो 1/3 आपके पास हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स के अंदर फॉर्म बनेगी आपकी, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर चेक करेंगे आपके पास आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आप वो पुट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, और आप उसके बाद वैल्यू पुट करना चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो आपके पास आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप उसको डायरेक्ट फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाय पार्ट से एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 इसका इंटीग्रेशन होता है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पुट करेंगे हम, 1 पुट किया तो 1 ये साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 बन जाएगा और 1 ये 0 हो जाएगा आपके पास, लोअर वैल्यू पुट करने पर ये 0 हो गया आपके पास, माइनस इसमें 0 पुट करने पर 1 आ जाएगा, इट मींस पाई बाय 2 माइनस 1 ये आपका आंसर बनेगा, इट मींस आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू सी वन ई एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस इज अ जनरल सोल्यूशन, आपको पास बताना है कि कौन सा इसका जनरल सोल्यूशन बन सकता है आपके पास, ठीक है, सेकेंड डिफरेंशियल आपके पास करने पर वापस यही चीज आ जाएगी आपके पास, इट मीन्स ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दिए गए तो डबल डिफरेंशिएट आपको करना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, ये कोड ए के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पास, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट कोड के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास, इसमें क्या कह रहे हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई की एक्स डी वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x डी वाई एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास, ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया आपसे, तो इसमें डी वाई डी एक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें, ठीक है, या आप उसके अंदर मतलब कि सिंपल फंक्शन के अंदर करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आपके पास e की पावर x डी वाई प्लस वाई e की पावर x प्लस 2x, हमने डी एक्स अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है, मीन्स अगर हम फिर ई एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2x e की पावर माइनस एक्स ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास क्या बन गया, इसको हम दूसरी तरफ ले चले जाते हैं तो आपके पास ये माइनस का बन जाएगा दूसरी तरफ जाने पर, तो ये फॉर्म बन गई आपकी, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ 1 हो जाएगा, मीन्स डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू आपके पास एक्स के फंक्शन होने चाहिए, 1 हो गया ये आपका आ जाएगा क्यू, तो इसको सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करने पर देखेंगे आपके पास ऑप्शन ए बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास,
आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उनको ऐड करेंगे। आपके पास 2 into 1, आई के कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई किया 2, जे के कोफिशेंट 3 और 2 है, मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 2 के कोफिशेंट 2 into 1 2, ये आ गया आपके पास, अपॉन में अंडर रूट के अंदर लिखेंगे आप वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या बनेगा, 1 + 4 + 1 मीन्स √6 बनेगा, इट मीन्स 10/√6। अगर आप इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो 10√6/6 हो जाएगा, जो कट के आपके पास 5/√6 बन जाएगा, जो आपके पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि आपके पास क्या बनता है, उसी चीज के अकॉर्डिंग आपको उनका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, जो क्या बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी बन जाएगा आपके पास आपके क्वेश्चन का। क्लियर, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13 था आपके पास, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइंस, ठीक है, आपको पता करना है, और एंगल और पेयर ऑफ लाइंस के बीच में पता करने के लिए कहा गया है। इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, कॉस इनवर्स की फॉर्म के अंदर आपके पास जो इसके आपके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, उनकी डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड आपको करना है, और दोनों के डायरेक्शन प्रोडक्ट आप देख सकते हैं आपके पास कौन से हैं, 3, 5, 4 हैं पहली लाइंस के, दूसरी के 1, 1, 2 हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आपको, ठीक है, जोड़ना है। तो आपके पास एक्स के देखें, 3 into 1 आपके पास 3 बन जाएगा, प्लस 5 into 1 5 बन जाएगा, प्लस 4 into 2 आपके पास 8 बन जाएगा, इट मीन्स आपके पास 16 आ जाएगा। अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या बनेगा, जो पहली वैल्यूज है इसका √50 बन जाएगा, 9 + 5 5 का 25 + 4 का 16, सभी को ऐड करेंगे 50 आ जाएगा, और सेकंड से 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप इनको अगर मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं तो 5 into 5 5 और 2 आपके पास बाहर आएगा, इनके फैक्टर से √3 बचेगा आपके पास, ठीक है, मीन 16/10 अगर हम एक प्रकार से यूं कह सकते हैं, आपके पास जो बचना है, नहीं सॉरी 15 5/5/2 ये आपके पास बचेंगे, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी। इसको हमने रेशनलाइजेशन करके किस प्रकार से लिखना है वो आप डिपेंड करता है आपके लिखने पर, ये 8 से कट गया तो रेशनलाइजेशन करने पर 8√3/5 आपकी ये वैल्यू बन जाएगी, इट मीन्स कोस इनवर्स के अंदर। तो ये वैल्यू कौन से ऑप्शन के अंदर आपको दी गई है, ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्वेश्चन के, हम क्वेश्चन नंबर 14 कह लीजिए, ठीक है, इसके अंदर आपको यह पार्ट्स के रूप में दिया गया, आप उसके रूप में भी कह सकते हैं इसको, मीन्स 14 आपके पास हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ द डाइस इज रोल्ड, ठीक है, प्रत्येक पर आपके पास इवन नंबर आए तो पहले पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनेगी, सॉरी इवन प्राइम नंबर, हाँ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 1/6 बन जाएगी आपके पास, 1/6 आपके पास, ठीक है, क्योंकि 2 ही अकेला प्राइम नंबर, इवन भी है प्राइम भी है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनेगी दोनों पर आने की, 1/36, दो अलग अलग डाइस होगी आपकी उसके चीज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपके पास 15th का देखेंगे हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं, इफ ए फेयर क्वाइन इज टोस्ट 10 times, अगर एक फेयर क्वाइंस को 10 बार उछाला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 head, एग्जैक्टली 6 head आना चाहिए, तो पी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की होगी, ठीक है, हमें हेड की बात कर रहे हैं तो 1/2 हो गया, फेलियर आपके पास हो गया 1/2 हो गया, ठीक है, आपको एग्जैक्टली 6 की बात कर रहे हैं तो 10 combination आर आपके पास 6, ठीक है, और 1/2 की पावर आर 6 एंड 1/2 की पावर n-r मीन्स 10-6 मतलब 4 आपके पास ये चीज हो जाएगी। 10 combination 6 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 10-9 10 factorial, ठीक है, इंटू 6 factorial अपॉन डिवाइड कर मल्टीप्लाई 6 factorial, 10-6 4 factorial, 4 factorial को हमने खोल दिया, और ये 1/2 की पावर 10 हो गया, मीन्स 1/1024 आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ये कट जाएगा आपके पास, इनको हम काटेंगे आपस में, 4 × 2 = 8, 8 कट गया, 3 से कट के 3 आ गया आपके पास, ठीक है, 7 × 21 21 को 10 से गुना किया 210 हो जाएगा आपके पास, मीन्स 210/1024 आप 2 से काट देंगे तो 1005/512 आपके पास आपका ये आंसर बनेगा, और ये कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन सी। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे आप 16th part, इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास क्या पूछा गया है, ए कंडीशन बी, फॉर्मूला कंडीशन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दे रहा है, ए इंटरसेक्शन कुछ भी हो
तो वैल्यू आपके पास क्या बन गई आपकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड इट मीन्स आपके पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा आपके पास। क्लियर। ऐसे ही जो बाकी कोड है आपके पास उनके अंदर भी हमें क्या करना होगा, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हम उनके आंसर पर डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कशन कर ली है, हम उनके आंसर पर ही डिस्कशन सीधी बात करेंगे। और किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई डिफरेंट होगा, ठीक है, पार्ट्स के अंदर, तो हम उन पर थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश भी करेंगे। सेट बी देखेंगे 2017 का, इसके पहले भाग क्वेश्चंस के अंदर आपको वही हमें चूज करना है कि आपके पास ये वन वन है, ओन टू है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन बी बन जाएगा इसका। सेकंड पार्ट देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, मीन्स ये वन वन मतलब वन वन ओन टू हो गया। इसके अंदर वही वैल्यूज को देखना है, अपने वैल्यूज को देखकर इनको जोड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन देखें, हमने दोनों को ऐड करके इक्वल कर लेना है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू को कंपेयर करना है हमने। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशंस की तरह बनेगा, उनको सॉल्व करने पर आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ठीक है, सी बन जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट, इफ एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर दो का, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, तो ये आपके पास वन बाय डिटरमिनेंट ए के इक्वल इसकी वैल्यूज आपके पास बन जाएगी। ठीक है, मीन्स आपके पास ये ऑप्शन डी की बन जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट आपके पास, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या रहेगा आपके पास, क्योंकि जो ये इस कारण बना क्योंकि डिटरमिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू है जो डिटरमिनेंट ए के हॉल इनवर्स के अकॉर्डिंग बराबर बनेगी आपके पास। ठीक है ना, उस चीज के कारण इसको वन बाय लिखा गया आपके पास वैल्यूज को। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था ये, इफ द फंक्शन आपके पास के एक्स स्क्वेयर दो पर आपके पास कंटिन्यूस है फंक्शन, ठीक है, दोनों में दो पर वैल्यू पुट करके इक्वल रख लेंगे आपके पास, तो यहां से सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 3/4, इट मीन्स बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद सिक्स पार्ट देखिए उसका, उसके अंदर में क्या करने के लिए कहा गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर एट द 4 सेंटीमीटर पर आपके पास, वही सेम आपके पास हो गया 8π cm² पर सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। सेवंथ पार्ट देखिए इसका, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कहा गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ आपके पास, जो इसका डिफरेंशिएट है मीन स्लोप निकालेंगे वो इक्वल जीरो रखनी है आपने। ठीक है, और वहां से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालकर पॉइंट्स निकालने होंगे आपने कि क्या बनते हैं आपके पास। ठीक है, वो आपके पास आएगा बी ऑप्शन, मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो बनेगी आपके पास और वाई की आपके पास प्लस माइनस फोर के अंदर बन जाएगी। एट पार्ट देखें, फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वेयर टू एक्स प्लस वन आपके पास एक्स प्लस वन की होल स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, तो उससे आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो टेन की फॉर्म में बनेगा आपके पास, मीन्स टेन इनवर्स आपके पास बनेगा, इट मीन्स ए ऑप्शन बनेगा आपके पास। ठीक है, और नाइन्थ भाग देखें इसके अंदर हमें क्या करना होगा, आपका ये सारा फंक्शन ही ओड फंक्शन है, क्योंकि रेंज आपको जो दी गई है, लिमिट दी गई है माइनस ए टू ए दी गई है, फंक्शन ओड है, तो आपके पास जो इसका, ठीक है, इंटीग्रेट देखना होगा हमारे पास क्या बन सकता है, माइनस एक्स क्यूब है आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या बन जाएगी, ओड फंक्शन होगा, एक्स कोस एक्स, इसके अंदर माइनस रखने से आपके पास ओड बनता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन के अंदर भी आपके पास ये ओड फंक्शन हो गया, आपके पास बचा क्या, अकेला वन बचेगा इसके अंदर लास्ट में, वन आपके पास ओड फंक्शन का पार्ट नहीं है, एक्स क्यूब ओड है, एक्स इंटू कोस एक्स ओड फंक्शन है, टेन इन फाइव पावर फाइव एक्स ओड फंक्शन है, तो उनका जो इंटीग्रेशन है माइनस ए टू ए, अगर आपका ओड फंक्शन हो उसका वो जीरो होता है हमारे पास, तो वन का इंटीग्रेशन आपको करना होगा, वन का एक्स बन जाएगा, एक्स मीन्स पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, तो आपकी वैल्यू पाई बनेगी, इट मीन्स ए ऑप्शन बनेगा इसके अंदर आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टेंथ पार्ट आपके पास, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया आपसे, सिंपल ई एक्स इंटू ई वाई करके दोनों को अलग अलग कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, बी बनेगी इसके अंदर। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा बोथ साइड। इलेवंथ पार्ट के अंदर, विच ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज वाई इज इक्वल टू सी वन ई एक्स सी टू ई एक्स, मीन्स दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, और दो बार डिफरेंशिएट करने पर क्या वैल्यू बनेगी, ये हमने पिछले ए सेट में थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है ना, सॉरी डी ऑप्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, और ट्वेल्थ पार्ट के अंदर देखिए आपको प्रोजेक्शन कही गई है, सिंपल वही वेक्टर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट अपॉन वेक्टर बी, आपका पहला ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपके पास वैल्यू क्या बनेगी,
सी, क्योंकि दोनों की डॉट प्रोडक्ट ही जीरो बन रही है आपकी। नेक्स्ट एंगल बेंड निकालना है हमें लाइंस के बीच में, वही सेम फॉर्मूला आपका, ठीक है। मींस आपके पास 13 क्वेश्चंस का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखें 14th क्वेश्चन, द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन द थ्रोइंग डाइस हैविंग रिटन रिटन ऑन द थ्री फेस, टू ऑन द टू फेसेस एंड फाइव ऑन द वन फेस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपके पास, इन्होंने क्या कहा, एक डाइस के तीन फेस पर दो लिखा हुआ है, ठीक है, और दो फेस पर आपके पास सॉरी वन ऑन वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है थ्री टाइम्स, और टू टाइम्स लिखा हुआ है टू, और वन टाइम्स लिखा हुआ है फाइव, ठीक है आपके पास। तो सबसे पहले मीन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, टू की 2/6 और फाइव की 1/6, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी। इस पी आई को अगर हम एक्स आई से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास, ठीक है ना, तो ये वन है आपके पास, वन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 ही हो जाएगी, और इसको टू से मल्टीप्लाई करके 4/6 हो जाएगा, फाइव से मल्टीप्लाई करके 5/6, इनको ऐड कर दें, फाइव और सिक्स फोर नाइन, नाइन और थ्री ट्वेल्व, 12/6 बन जाएगा, इट मीन्स टू हो गया आपके पास इन सभी का समेशन। ये एक वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, मीन वैल्यू होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो दे रही है, वही नॉट डिफाइंड आपके पास सेम, ठीक है। 14th का आपके पास जो आंसर बना वो डी बन गया, और 15th का जो बना आपके पास वो क्या बन गया आपका, वही नॉट डिफाइंड डी बन गया। एंड 16th का आपके पास क्या बन जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ए डाइस थ्रो सिक्स टाइम्स इफ द गेटिंग एन ओड नंबर इज ए सक्सेस, ओड नंबर आने पर मीन्स 3/6, ओड नंबर तीन है 1/3 5, तो 1/2 सक्सेस की होगी एंड 1/2 ही फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है फाइव सक्सेस की, ठीक है, मीन्स आर आपके लिए फाइव हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने पर आपके पास बनेगी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी 3/32 बनेगी, इट मीन्स ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमें क्या करना होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सेट सी के अंदर हमें, सेट सी के अंदर आपके पास पहले क्वेश्चन का आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, और दूसरे का, दूसरे भाग का आपके पास क्या बन जाएगा, ए, और तीसरे का आपके पास क्या हो जाएगा, डी, और चौथे का आपके पास क्या हो जाएगा, सी, और पांचवें का आपके पास क्या हो जाएगा, ए, और छठे भाग का आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, बी, और सातवें भाग का आपके पास क्या हो जाएगा, बी। बाकी आप चेक करके देखेंगे, इनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम आपके डिटो क्वेश्चन है। आठवें का आपके पास क्या होगा, डी होगा, ठीक है, और नाइन्थ का देखेंगे इसके अंदर आपके पास क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है, और टेंथ का देखेंगे उसके अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, इलेवेंथ का देखेंगे आपके पास क्या बनेगा, डी बनेगा, और ट्वेल्थ का देखेंगे आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, सी बन जाएगा। वही आपके पास इसमें देखिए ऑर्थोगोनल कहा गया है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा कि दोनों वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है, उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। एंड 13th का देखें इसके अंदर क्या बन जाएगा आपके पास, 13 क्वेश्चन का बी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एंड 14th का अगर आप देखें तो क्या होगा आपके पास, 14th क्वेश्चन का आपके पास देखें ए और बी नॉट इक्वल टू जी ए कहा गया है, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए आपको वन दिया गया है, इसमें आपसे कंडीशंस पूछ रहा है कि कौन सी सेटिस्फाई करेगी आपके पास, ये तभी हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो, मीन्स ए ऑप्शन आपके पास बनेगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखिए 15th के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, 15th के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आपको वही डाइस निकालने के लिए कही गई है, डाइस निकाली गई, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया ऑड नंबर आने की, तो ऑड नंबर भी कौन से आपके पास, ऑड प्राइम नंबर थ्री, ऑड प्राइम नंबर थ्री और फाइव दो ही है, तो 2/6 से 1/3 और 1/3 मीन्स 1/9 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपके पास, मीन्स ऑप्शन सी बन जाएगा आपका, ठीक है। और 16वें क्वेश्चन का इसके अंदर ए कंडीशन बी, वही आपके पास नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इट मीन्स ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम सेट डी की बात करते हैं, सेट डी के अंदर आपके पास किस प्रकार के हमें क्वेश्चन करने होंगे और कैसे उनको सॉल्व करना होगा, बिल्कुल सेम आपके पास क्वेश्चन वैसे सेम चले हैं, डिटो चल रहे हैं, तो उसी चीज के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन में भी देखिए आपके पास वही 3-4x एक लीनियर फंक्शन दिया गया इक्वेशन का, उसमें पूछ रहा है कि आपके पास क्या होगा, ये 1-1 और 1-2 दोनों ही होता है आपके पास, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस होगा एक प्रकार का। अगले में प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है इसके अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना है
इनकी रेंज के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, ठीक है, मीन्स आउट ऑफ रेंज नहीं आपने जाना इनके, तो वो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 2π/3 बनेगी, इट मीन्स सी ऑप्शन बन जाएगा आपका। थर्ड में देखिए, आपको वही एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, कंपेयर करके दोनों को ऐड करके इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे आप, एक्स आपके पास 3 आ जाएगा, 3 आपके पास बी ऑप्शन के अंदर ही बनता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ देखें, आपका कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू पाई पर, तो दोनों के अंदर पाई पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो -1/π बन जाएगा, इट मीन्स बी ऑप्शन बन जाएगा आपका, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ रेडियस 3 दे दी, तो 6π² / cm बन जाएगा, मीन्स ए ऑप्शन बन जाएगा। आपको टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वही डिफरेंशिएट को आप 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपके पास वाई वाला कोऑर्डिनेट ही बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 0 बनेगा, तो वाई जो कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू +-2 बनेगी, इट मीन्स सॉल्व करने पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा इसका। एंड सेवन्थ में देखिए, एक्स स्क्वेयर को हम टी लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ए की स्क्वेयर -XT² हो जाएगा, जिस चीज के कारण ये साइन इनवर्स के अंदर फॉर्म बनेगी आपकी, इट मीन्स डी ऑप्शन बन जाएगा आपका सॉल्व करने पर देखेंगे तो इसको, ठीक है। और नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, वही बाय पार्ट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपने, बाय पार्ट्स सॉल्व करने पर आपके पास क्या आंसर बनेगा, 1 बनेगा, इट मीन्स ए ऑप्शन बन जाएगा एट्थ का। नाइन्थ का देखें, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है, x² + y² + 2cx, ए का रिवट्री कॉन्स्टेंट है, तो एक सिंगल डिफरेंशिएट करना होगा उसको, वैल्यू को रखेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। एंड टेंथ क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन दिया गया, देन इट्स सॉल्यूशन इज पूछा गया, तो आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, वाई को वाई के साथ कर देंगे, एक्स को एक्स के फंक्शन के साथ करके इंटीग्रेट करेंगे, और सॉल्व करने पर ये टेन इनवर्स वाई इज इक्वल प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी बन जाएगी, इट मीन्स आपका जो ऑप्शन है ए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और इलेवेंथ के अंदर अगर आप देखेंगे, आपके पास द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मींस आपका पहला वेक्टर ए होगा, दूसरा वेक्टर बी हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा, जो ऑप्शन सॉल्व करने पर आपके पास क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा इलेवेंथ का। ट्वेल्थ में देखें, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों की डायरेक्शन रेशियो की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगी आपके पास लाइन के, ठीक है, -3 पहली लाइन के, 2 के 2 ये डायरेक्शन रेशियो, दूसरी में 3 के 1 एंड -5 ये बन जाएंगे आपके पास, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0, तो k की वैल्यू सॉल्व करने पर -10/7, इट मीन्स आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारी पास वैल्यू कहें तो ऑप्शन के रूप में डी बन जाएगा आपका। एंड 13th कहें, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8, टोटल 8 आने के, 8 आपके पास 5 टाइम्स आ सकता है, ठीक है ना, आप जानते हैं टोटल और आपके पास जिसका टोटल और हर जो भी है वो दोनों का जो योग है तो वो 13 बनता है, ठीक है, जितनी बार वो आता है, और जो टोटल का आ गया, 8 है जो 5 बार आता है, जैसे 7 है वो 6 बार आता है, 9 है वो 4 बार आता है, तो 5/36 प्रोबेबिलिटी बनेगी, इट मीन्स आपका बी ऑप्शन बनेगा इसके अंदर। आपके पास वही बी कंडीशन ए पूछी गई है, फिर वही नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, इट मीन्स 14th का आपका बी बन जाएगा। 15 में ए फेयर क्वाइन को टॉस किया गया 8 बार, मीन्स एन आपका 8 हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, आर मतलब आपके पास 4 हो गया, ठीक है, और एच प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर आपकी 1/2 ही रहेगी, क्योंकि सिक्के को उछाला गया, ठीक है, तो आपके पास वो 1/2 की के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर आपके पास ए ऑप्शन बन जाएगा, मीन्स 35/128 ये आंसर आएगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16th, ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा वो देखेंगे, और क्वेश्चन 16 के अंदर देखेंगे आपके पास, क्योंकि के ए का डिटरमिनेंट की बात कर रही है, ठीक है, 3 ऑर्डर का दिया गया, तो ये आपके पास तीनों रो में से निकल सकता है, मींस के क्यूब आ जाएगा आपके पास इनटू डिटरमिनेंट ए आपके पास, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू बन जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास इस मीन्स ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस 2017 के पेपर्स को करके देखेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप्स को, ठीक है, और इनके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी आप करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपको तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो फुल पेपर को सॉल्व करते हुए आपके साथ बनाऊंगा उनको आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।